कितना हुआ? गाइस मैंने आप लोगों को सब चीजें क्लियर कर दी है, ठीक है। अभी मैं भी यही बोलूंगा, कोई प्लीज ब्लैकमेल ये सब चीजें स्टॉप कर देना, अभी ये सब चीजें करना बंद कर दो, जरा भी ये सब चीजें नहीं करना। मतलब मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, फैमरो आर्मी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ खासकर जो लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमें मतलब हमें, अब समझ जाओ हमें, हम में कौन आते हैं, हम में मेरी फैमिली भी है और अराफिया की भी फैमिली है, ठीक है। वी आर फैमिली एंड वी वर अ फैमिली। एंड मैं अब यही बोलूंगा कि अब अगर किसी ने कुछ भी फालतूगिरी की तो आप लोग प्लीज सोच लेना कि हम सब मिलकर एक्शन लेंगे, ठीक है। एंड प्लीज ये इस्लाम के नाम पे, ये सब नाम पे आप लोग वाहियत बातें मत करो, खुद छुप जा रहे हो एंड दूसरे की लड़कियों को सामने ला रहे हो, ठीक है। अराफिया ने आपको नहीं बोला था कि आप आकर वीडियो डालो, या दानिश ने नहीं बोला था कि भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए तुम लोग ये वीडियो डालना, भाई तुम मेरे लिए मैं उसका भाई हूँ, ठीक है। अगर मुझे रोना है ना तो मैं कैमरा ऑफ करके रोऊंगा, कैमरा के सामने रोकर मैं लोगों को ये नहीं दिखाना चाहता कि मुझे मेरे भाई के जाने का कितना गम है, ठीक है। सो प्लीज आंटी आप भी समझो, आप बहुत बड़े हो, आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो ना, इंडस्ट्री कर रहे हो, तो आप समझो इंडस्ट्री की चीजों को लेकर ये बाहर आकर ये फालतू बातें मत करो एंड जबरदस्ती दूसरों को लाइक आप टॉर्चर मत करो, ठीक है। आपको जो कुछ बात करनी है ना, मैं आ रहा हूँ इंडिया, उसके बाद आप बात करना, फॉर श्योर मिलूंगा मैं आपसे, ठीक है। फिर आप चाहे मुझे दो चाटे भी मार दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मगर आज आप जो कर रहे हो ना दूसरी की लड़कियों के साथ, जो बेइज्जती कर रहे हो और आप जो बोल रहे हो वीडियोस पर, मैं बस सुनकर ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शांत रहने वालों में से और हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर ये वक्त नहीं है बोलने का, ठीक है। इसके लिए मैं चुप बैठा हूँ एंड मुझे चुप बैठने दो, ठीक है। मुझे प्लीज कुछ बोलने पर मजबूर मत करो। एंड जो भी लोग अरिशफा को फॉलो कर रहे हैं वो प्लीज उसको अनफॉलो कर दो। अगर आप लोगों ने उसको अनफॉलो नहीं किया ना तो आई स्वेयर मैं दानिश का चैनल डिलीट कर दूंगा, मेरा दिमाग बहुत खराब है इस टाइम पे, ठीक है। मैं प्लीज बोल रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं कर रही है आंटी, पैसे कुछ नहीं मिलने वाला आंटी को, आंटी को पब्लिसिटी चाहिए, आंटी को चाहिए वो बड़ी बड़ी मीडिया के सामने आके बैठे। आंटी तो मीडिया के लाइक मैं यहाँ कॉन्टेक्ट कर रही हूँ, वहां कॉन्टेक्ट कर रही हूँ, अब मुझे पता है आंटी क्या क्या कहाँ का कॉन्टेक्ट कर रही है। शांत रहो इशू 22। हाँ भाई शांति रह रहा हूँ, मेरा भी दिमाग खराब ही है, पता नहीं कभी कभी मैं भी इंसान हूँ यार, तुम सोचो ना उसकी गलती है, हम लोग क्यों सफर करें। हाँ दानिश की कोई गलती होती तो मैं सफर करता, ठीक है, वो मेरा भाई है, मैं सफर करता। एंड उसकी गलती थी जो आज हम सफर कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत उसने गलती किया, लाइक वो फास्ट चला था, अंश चूती है, ओके नो प्रॉब्लम भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपने जो बोला है, मैं इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगा मेरे लिए, ठीक है। ठीक है गाइज मैं भी रख रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी रख रहा हूँ। एंड निकेश आई डोंट नो हिंदी ब्रो, आई एम रियली सॉरी ब्रो, आई कैन नॉट स्पीक मच इन इंग्लिश बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल्स ओवर हियर एंड आई एम डैम श्योर इफ आई विल स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश देन इट विल बी अ वेरी बिग थिंग दैट पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल पीपल दे डोंट नो अबाउट दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट देर आर मैक्सिमम पीपल दोज हू वॉन्ट वी टू स्पीक इन हिंदी, सो प्लीज आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो हम हिंदी में ही बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सो, यस एक्सक्यूज मी, ओके यू आर एक्सक्यूज। ओके गाइज मैंने आप लोगों को बता दिया कि दानिश के चैनल का क्या होने वाला है, इस पे प्रमोशन आएंगे, आप लोग जिसको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग उस प्रमोशन को कुछ वो कर प्रमोट करो एंड ऑल, जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो बाय कर सकता है, जिसको अच्छी नहीं लगती छोड़ दो, ये दानिश का काम था, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो अपने काम पर आ चुका हूँ, मगर उसका जो काम है वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए कैरी फॉरवर्ड करो, एटलीस्ट उससे दो पैसे आएंगे तो मैं भी किसी की मदद कर सकता हूँ, ठीक है। एंड फॉर श्योर चैरिटी होगी, चैरिटी आप लोगों को बताकर ही होगी, बिना बताए कुछ नहीं होगा। जो आप लोग हो, आप लोग लाइक उसके फैंस नहीं हो, ठीक है, उसके लिए हमेशा आप लोग फैम ब्रो थे, फैम ब्रो मीन्स फैमिली ब्रो, ठीक है, फैमिली, यू ऑल वेयर लाइक अ फैमिली टू हिम एंड यू विल ऑलवेज रिमेन लाइक अ फैमिली, ओके। सो जो कुछ होगा आपको बताकर करूंगा, आपको बिना बताए कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। अभी मैं चलता हूं, पता है मेरे ये फोन रखने के बाद मुझे बहुत लोग कॉल करेंगे, मेरा भाई नाजिम मुझे कॉल करेगा, मुझे बहुत गाली देगा, मुझे चिल्लाएगा कि गुफरान तू लाइव क्यों आया, तूने ये सब क्यों करा, ऐसा वैसा। आई एम रियली सॉरी भाई नाजिम, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर देना, बट क्या करूं, किसी की बोलते है ना लाइक जो वो आंटी कर रही है किसी के बारे में गलत गलत बात कर रही है, वो मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मुझे पता है मेरे भाई से भी सहा नहीं जाता था, इसके लिए मैं तुझसे सॉरी बोलता हूँ प्लीज, ठीक है।
अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया, कुछ बाकी रहेगा मैं टेक्स्ट कर दूंगा, मैं लाइक स्टोरी पर रख दूंगा या फिर मैं खुद आके बोल दूंगा, ठीक है? दानिश के वीलॉग्स तो बट ऑब्वियस अब दानिश नहीं है, तो उसके वीलॉग्स कुछ है मेरे पास अनड्रॉप्ड वीलॉग्स, मैं डालूंगा एंड फॉर श्योर वीलॉग्स आएंगे। जहां पे हमने खत्म किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, वीलॉग्स आएंगे एंड वीलॉग्स फॉर श्योर आएंगे। टाइम दो एंड वेट, कल से मेरा 60 डेज चैलेंज स्टार्ट होगा, ठीक है? 60 डेज चैलेंज फॉर, समझ जाओ दानिश चैलेंज किस चीज के लिए देता था लोगों को, ठीक है? तो कल से मेरा 60 डेज चैलेंज है, 45 डेज चैलेंज नहीं है, 60 डेज चैलेंज है, मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है? तो 60 डेज चैलेंज कल से एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक्स अ लॉट वेरी मच, ओके? थैंक्स अ लॉट, ठीक है? कौन सा चैलेंज भाई दानिश कौन सा चैलेंज देता था? दानिश एक ही चैलेंज देता था, बॉडी चैलेंज, ठीक है? आज उतार नहीं उतारूंगा, आज रहने दो कभी और, ठीक है? 60 डेज चैलेंज, 60 डेज के बाद, ठीक है? एंड 60 डेज के बाद एंड व्लॉग्स भी आएंगे, ठीक है? मतलब वी विल कंटिन्यू, ओके? सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी। एग्जाम्स है भाई, एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स पे ध्यान दो हर कोई, और जो पढ़ाई नहीं करता है काम करता है, अपने काम पर ध्यान दो। मैंने ये भी बोला कि आपकी फैमिली आप लोगों पर चलती है, ठीक है? मैं किसी बंदे को गलत नहीं बोलूंगा, जो बंदा मुझे गाली भी दे रहा है मैं उसे भी सही बोलूंगा, और जो मुझे सही बोल रहा है उसे भी मैं सही बोलूंगा, ठीक है? तो मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, ठीक है? सो प्लीज आप लोग आपके काम पर ध्यान दो, आपके खाने पर ध्यान दो, आपकी फैमिली पर ध्यान दो, वाइफ पर ध्यान दो, बच्चों पर ध्यान दो, ठीक है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने एग्जाम्स पर ध्यान दो प्लीज, ठीक है? अपने एग्जाम्स पर ध्यान दो। अगर आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं जाएंगे तो आपकी फैमिली यही सोचेगी कि आज जो कुछ हो रहा है, हमारे बच्चे अगर एग्जाम्स में कम मार्क्स ला रहे हैं तो वो दानिश की वजह से हो रहा है। तो आप लोग प्लीज ये चीज सोचकर रखो कि कल आपके पेरेंट्स दानिश को ये नहीं समझना चाहिए कि दानिश की वजह से हमारे बच्चों के एग्जाम्स में लाइक प्रॉब्लम हो गई, कम मार्क्स आए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मुझे कभी ये पसंद नहीं आएगा एंड कभी उसे भी पसंद नहीं आएगा। सेकंड चीज, दानिश के रोतड़ू लोग पसंद नहीं थे, जो रोते रहते वो सब चीजें उसको कभी पसंद नहीं थी। तो रोना वोना लाइक नहीं, उसके लिए प्रे करो, और ये सब फालतू वीडियोस देखने से अच्छा है दानिश के लिए थोड़ी प्रे कर लो यार। प्रे करने का मतलब है जो मंदिर में जाते हैं मंदिर में जाओ, जो चर्च में जाते हैं वो चर्च में जाओ, जो मस्जिद में जाते हैं मस्जिद में जाओ, जो जिधर जाता है वो उधर जाओ, वहीं से उसके लिए प्रे करो, ठीक है? अपने स्टाइल में प्रे करो, उसकी गुनाहों की माफी के लिए बस हाथ उठाओ एंड बस। लोगों को कोई बुरे कमेंट मत करो, अरिशफा को भी तंग मत करो, ठीक है? उसे अनफॉलो करो मगर प्लीज, अब तो मैं यही बोलूंगा, अब उसे अनफॉलो करो, ठीक है? उसने मुझे जो बात कही है कि दानिश का फेम की मुझे कोई जरूरत नहीं है, दानिश तो लाइक मेरे बाद आया है, मेरे पास मेरी खुद की बहुत पॉपुलैरिटी है। उसकी मम्मी ने, सॉरी अरिशफा ने ये सब नहीं बोला, उसकी मम्मी ने ये सब बोला, मेरी बेटी की तो काफी पॉपुलैरिटी है, वो काफी पॉपुलर, रहने दो पॉपुलर। जिन लोगों ने भी दानिश की वजह से उसको फॉलो किया है प्लीज अनफॉलो कर देना, ठीक है? प्लीज, और मैं चेक करता हूँ तुम लोग अनफॉलो करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है, और कुछ? टेक केयर।